Starting with the fourth part here, it says find the value of x in each of the following figures if l is parallel to f. First part में क्या दिया हुआ है आपको 110 दिया हुआ है, एक ही एंगल दिया हुआ है, x फाइंड आउट करना है. तो अगर 110 है तो x का कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ये इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ना ये वी ओ ए है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कुछ भी रिलेशन नहीं है. बट मेरे को ये पता है कि मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ 110 के नीचे वाला. इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज नथिंग बट 110. वाई? बिकॉज इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, एंगल वन ले लो इसको, ठीक है. अब वन और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, इट इज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का. एंगल वन किसके इक्वल है, 110 का. एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकलेगी, 180 माइनस 110, इट इज नथिंग बट 70 डिग्री. तो एक्स की वैल्यू आपकी फर्स्ट केस में 70 आ गई. सेकेंड केस में आपने क्या करना है, एक्स निकालना है, और एल आपका किसके पैरेलल है, एम के. सो 100 और एक्स का क्या रिलेशन होगा आपस में, इट वुड बी इक्वल टू 100. वाई? यू कैन से इट इज नथिंग बट अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको हम. कॉरस्पॉन्डिंग तब होता है जैसे लाइन के ऊपर लाइन है हमारी और उसके ऊपर के एंगल इक्वल होते हैं हमेशा.